हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? ठीक है, बढ़िया है। तो गाइस, आज हमारे पास क्या वीडियो है? इमरान खान सिक्योरिटी। इमरान खान की तो बड़ी सिक्योरिटी है जेल के अंदर, उसको बाहर का काफी बंदे खड़े किए हुए हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, बाहर ना निकल जाइए, इससे बढ़ के सिक्योरिटी क्या होगी। अच्छा चले, मतलब एक्चुअली ये पुराना वीडियो है, इस वजह जब इमरान खान पीएम थे और पीएम मोदी और इमरान खान दोनों की सिक्योरिटी के बारे में शायद कंपेयर दिखाया गया होगा कि कैसी है। चले वीडियो देखते हैं जी, आज का करें स्टार्ट। रेडी? ओके। भैया किया किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सबसे सम्मानीय और खास व्यक्ति होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी सबसे सर्वोच्च होती है। इनकी सुरक्षा बाकी वीआईपीस की तुलना में काफ़ी अलग होती है, जिसकी जिम्मेदारी कुछ खास प्रशिक्षित लोगों को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री मोदी और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिक्योरिटी की तुलना करेंगे और देखेंगे कि किसकी सिक्योरिटी में कितना दम है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी मिलेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की होती है, जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम करती है। इन लोगों की ट्रेनिंग एक्स अमेरिकन और चाइनीज टीम द्वारा दी जाती है, जो 9 महीनों में पूरी होती है। इन लोगों को इमरान खान के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी जानकारी आईएसआई द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन लोगों के पास एएमटी लाइटनिंग पिस्टल और बुलेट प्रूफ वेस्ट मौजूद होती है। इमरान खान की सिक्योरिटी में स्थानीय पुलिस भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। इमरान खान टोयोटा लैंड क्रूजर और मर्सिडीज बेंज का इस्तेमाल करते हैं। उनकी काफिले में एक मर्सिडीज बेंज और 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्थानीय पुलिस की गाड़ियां शामिल रहती हैं। बता दें कि इमरान खान की गाड़ी फुल्ली बुलेट प्रूफ है, लेकिन उनकी गाड़ी बॉम्ब प्रूफ और ग्रेनेड प्रूफ है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सबसे रोचक बात तो ये है कि इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति के काफिले में एक भी एम्बुलेंस की गाड़ी मौजूद नहीं है। खैर छोड़िए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। इमरान खान को 2 लेयर सिक्योरिटी दी जाती है, जो पाकिस्तान में बस 2 ही लोगों को दी जाती है, एक तो उनके प्रधानमंत्री और दूसरे उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। पहले लेयर में एसएसजी के कमांडोज रहते हैं, वहीं दूसरी लेयर में स्थानीय पुलिस रहती है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक नहीं की गई है। आइए दोस्तों, एक बार इनके वीआईपीस के सिक्योरिटी पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आखिर इनकी सिक्योरिटी कितनी मुकम्मल है। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा तो दूसरा धमाका हुआ है। और खबर आपको दें, वजीर आजम, वजीर आला और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस के 2 अहलकारों को डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। साथ सिक्योरिटी करने वाले जो पुलिस एहलकार हैं, उसमें से 2 पुलिस एहलकार अब डाकू भी बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 6ठे सबसे ताकतवर व्यक्ति है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी देश में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम भूमिका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी निभाती है। एसपीजी 24 घंटे उनकी परछाई बनकर रहती है, जो प्रधानमंत्री मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखती है। एसपीजी का गठन 1985 में हुआ था। एसपीजी के सभी जवानों की ट्रेनिंग सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के तहत दी जाती है। ये जवान आपको हमेशा ब्लैक बुलेट प्रूफ वेस्ट में दिखाई देंगे। इसके साथ ये ब्लैक अल्ट्रा सेंसर गॉगल्स भी पहने होते हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध पर नज़र रखी जा सके। ये जवान गॉगल्स के साथ साथ कोहनी और घुटने पर भी पैड पहने होते हैं, और ये हर आधुनिक हथियार से लैस होते हैं। इनके पास अल्ट्रा मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स भी होते हैं, जो एक AK-47 से 6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये असॉल्ट राइफल्स 600 से 700 मीटर की रेंज में 900 गोलियाँ बरसा सकते हैं। असॉल्ट राइफल्स में रेड डॉट रे भी लगे होते हैं, और ये पानी के भीतर से भी फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इन कमांडोज के पास FN 2000 हर्स्टर गन
और सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर भी होते हैं। ये कमांडोज किसी भी वक्त पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। एसपीजी के जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बिना हथियारों के भी हमलावर का सामना कर सके। प्रधानमंत्री मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली की हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये कार बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ग्रेनेड और बॉम्ब प्रूफ भी है। इस कार के ऊपर ग्रेनेड हमला भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कार के शीशे को AK-47 जैसे खतरनाक राइफल्स की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती है। ये कार महज 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त कर सकती है। इस कार को चलाने के लिए भी खास प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसकी खास बात तो ये है कि टायर पंचर हो जाने के बाद भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं जाते हैं तो उस जगह को स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सील कर देती है। पीएम के साथ उनका पूरा काफिला जाता है। उनके काफिले में 2 BMW 7 सीरीज सीडान, 6 BMW X5, 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 3 टाटा सफारी जैमर, 3 महिंद्रा स्कॉर्पियो, 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और 1 BMW 7 सीरीज की डमी कार भी मौजूद होती है ताकि हमलावर को चकमा दिया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। उन जगहों पर हमले का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है, जिसके पहले लेयर में SPG के जवान मौजूद होते हैं जो PM के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर में उनके पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। तीसरी लेयर में NSG के घातक कमांडोज होते हैं। चौथी लेयर में अर्धसैनिक बल होते हैं और पाँचवीं लेयर में स्थानीय पुलिस मौजूद होते हैं। इस 5 लेयर सिक्योरिटी को किसी भी हमलावर के लिए भेद पाना असंभव है, और अगर इसके बावजूद भी कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उसे पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादातर हमले काफिले पर किए जाते हैं। जब मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वह एयर इंडिया के विमान से सफ़र करते हैं। उनके लिए हमेशा 4 हवाई जहाज तैयार रहता है ताकि अगर एक में कोई दिक्कत हो तो दूसरे से सफ़र की जा सके। PM मोदी हवाई जहाज से सफ़र करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। उनकी हवाई जहाज का नंबर एयर इंडिया 1 है। प्रधानमंत्री मोदी के हवाई यात्रा का सुरक्षा का जिम्मा भारतीय एयरफोर्स की होती है। PM के हवाई जहाज के आगे 3 सुखोई MKI, 2 हाल तेजस और 1 अवाक सर्विलेंस प्लेन भी मौजूद होता है। PM मोदी दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग में 5 नंबर बंगले में रहते हैं। इस जगह पर 500 SPG कमांडोज 2400 घंटे PM की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोक कल्याण मार्ग के 1 नंबर बंगले में हेलीपैड बना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी को कहीं जाना होता है तो वह इसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सुरंग भी बनाई गई है जो सीधे सफदरजंग एयरपोर्ट पर खुलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसकी सिक्योरिटी ज़्यादा खतरनाक है, प्रधानमंत्री मोदी या इमरान खान? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ तो कर लें जी सब्सक्राइब। हाँ जी, किसकी खतरनाक है? मोदी की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा सिक्योर्ड है। अच्छा, लेकिन एक चीज है ना, हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान में सिक्योरिटी की, ये भी तो है। अभी इमरान खान साहब जेल में है, इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या होगी? हमारे PM का तो पता नहीं लगता। अभी जो नया PM कोई भी आएगा तो उसके बाद वो भी जेल में होगा। जेल का चक्कर PM का लाजमी लगता है। जो भी आ जाए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो स्ट्रांग है वो जेल ही है हमारे। हाँ, मतलब जेल में कोई खतरा नहीं है। हमारे PM चुप करके जेल में बिठा दो उनको, सिक्योर, फुल सिक्योर है। हर तरफ बाहर पुलिस और टेंशन ही नहीं। चले बाकी ये अच्छा, इसमें भी डंडी मारी है वैसे वीडियो बनाने वाले ने, डंडी मार दी, काफी डंडियां मारते हो है ना जब भी अब तो मतलब चले पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया था। हमें मतलब वही रखा हुआ है कि वो पैंट उतरी, पता नहीं किसकी उतरी, वो दिखा दी थी PM की उतरी थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी। अच्छा दूसरा, और एम्बुलेंस की बात है तो एम्बुलेंस तो डेफिनेटली इधर अगर कोई छोटा सा जलसा भी होता है तो वहां पर भी एम्बुलेंसेज बाहर खड़ी होती हैं। और एक PM का जो काफला है उसमें एम्बुलेंस कैसे नहीं हो सकती? ये भी एक मतलब
ऐसी बात है कि छोड़ दें इसको। कहा था ना, कॉमेडी भी ऐड किया। कॉमेडी के तौर पे की है, लेकिन लेकिन ये है कि भाई कोई भी देश का जो पीएम हो या, और जब से मतलब पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई रहती है और अब कुछ अमन हो गया, सुकून हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि पीछे जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था तो उसके बाद से तो फिर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हर चीज की, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कोई भी, तो सबकी बहुत हाई कर दी गई थी सिक्योरिटी। और क्रिकेट काफ़ी देर तक पाकिस्तान में बैन रहा, अभी तक फिर उसके बाद आहिस्ता 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 वो जाके खुला। तो अब पाकिस्तान कोई भी रिस्क लेता नहीं है, मतलब कोई भी अगर पीएम हो या कुछ भी हो तो सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है उसकी। तो बाकी ये है कि इंडिया में क्योंकि पीएम मोदी की सिक्योरिटी के बारे में वीडियोस जो थे वो नेट पर अवेलेबल हैं तो उन्होंने वहां से ले लिए, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी पीएम के शायद वीडियो उनको नहीं मिले सिक्योरिटी के बारे में। हाँ, वो जो उन्होंने दिखाया था वो पीटीआई का काफिला जो होता है उनका कोई वीडियो का उन्होंने रोड दिखाया जो कि पार्टी के, मतलब जब आप ट्रैवलिंग जैसे कि आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन है तो कंपेन कर रहे हैं, तो कंपेन के साथ कोई भी वो जा रहा है बंदा तो अब सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि वो अब पावर में नहीं है, तो उनकी अपने काफले ही होते हैं। तो बाकी सिक्योरिटी तब होती है जब आप पीएम या मतलब फायज हों, आप अपॉइंटेड हों, तो तब जो है वो सिक्योरिटी होती है। चलें, बाकी ये है कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी मच बेटर देन पीएम ऑफ पाकिस्तान, कोई भी हो, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो। तो चलें, बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख लेते हैं और उसकी तरफ चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।